बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम आपके लिए एक सिंपल सा ट्रोज़र लेकर आए हैं। ये पैंट ट्रोज़र हम बनाएंगे। इसमें हम पहले तो पेमाश इधर से भी करते थे, अब हम बिल्कुल सादा सा पैंट ट्रोज़र बनाएंगे। इधर हम जो सिलाई लगाते थे, हमने वो सिलाई नहीं लगानी, बिल्कुल इसी तरह से हमने रखना है। जिस तरह से ये कपड़ा है इसी तरह रखना है। इधर से हम निशान लगाएंगे और इधर से हम कटिंग करेंगे। सबसे पहले हमने इलास्टिक के लिए लेना है 2 इंच, इन निशानों को आपस में मिला लेंगे। इस तरह से अब हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे आसन के लिए। अब हम इसके नीचे इलास्टिक के निशान के नीचे से शुरू करेंगे। 15 इंच है हमारा आसन का नाप, तो हम 13 लेंगे। क्योंकि हमारी लंबाई चौड़ाई हमारी कम है, 17 इंच, 17.5 इंच है, और हमने रखना है 21 इंच। तो मैंने ये कपड़ा पहले से रखा है अंदर की तरफ म्यानी डालने के लिए। ये हमने 15 इंच लिया, 15 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। इस निशान को हम इस निशान से मिलाएंगे इस तरह से। अब हम ट्रोज़र का नाप लेंगे 5 का, 8 इंच हमारा ट्रोज़र का नाप होगा, 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। और 2 इंच इससे आगे हम कटिंग के लिए लेंगे इस तरह से। इस तरह से अब हम इसकी कटिंग करेंगे। आधा इंच हम सिलाई का छोड़ेंगे इस तरह से। अब हम इधर निशान लगाएंगे। डेढ़ इंच पे निशान लगाएंगे और इसे इस तरह से हम तिरछा रखेंगे।
अब हम दो इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। इस तरह हम निशान लगाते जाएंगे और दो इंच से इधर हम कम करते करते इसके साथ हम एक इंच पे रखेंगे। एक इंच पे इस तरह से इस पल्लू को हम पीछे करेंगे, एक को दरमियान वाले में से इस तरह से हम उठाएंगे और इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से हम पहले कपड़े को आपस में जोड़ लेंगे, फिर हम इसको सिलाई लगाएंगे और इस पल्ले को इसके साथ जोड़ेंगे। ये देखें इस तरह से ही मैंने पीस डाल लिए। अब हम एक साइड पे इस तरह से इस तरह सिलाई लगाएंगे इस साइड को लेके दूसरी साइड पे इस तरह से सिलाई लेंगे। इधर हम सिलाई लगाएंगे और इस साइड पे हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। इस तरह से ये मैंने आसन की सिलाई लगा ली है। इस साइड पे भी और दोनों साइडों पे अब मैं ऊपर प्लास्टिक डालूंगी। अब हमने लैदर से प्लास्टिक डालना है, इसलिए हमने 2 इंच का तकरीबन हम 4 इंच का पीस लेंगे। पंद्रह इंच हमारी बेल्ट होगी। अब हम इसे इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। इधर हम सिलाई लगाकर इलास्टिक के लिए हम नेपा बनाएंगे। देखिए इस तरह से ही मैंने पट्टी बना ली है। इस तरह से अब हमने प्लास्टिक भी लेना है। प्लास्टिक हम अपने वेस्ट के हिसाब से लेंगे। वेस्ट है हमारी 29 35 इंच
इसमें हमने 5 इंच माइनस करना है तो 30 इंच होगा। इस तरह से ये हमारा 30 इंच है, इसको हमने इधर हम पहले सिलाई लगा लेंगे, इसे पक्का करेंगे और फिर हम इसे इस तरह से इसके साथ सिलाई लगाएं। इस तरह से हमने कपड़े को लदा लदा कर लिया। इस तरह हम इसे फोल्ड करेंगे। और हम लास्टिक को इस तरह रखेंगे। इसके साथ साथ हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमने पीछे से कपड़े को खींच लिया। आपने आराम से सिलाई लगानी है, लास्टिक पे हमारी सिलाई ना आए। इस तरह से हम दरमियान में रखते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरह से ये हमने लास्टिक डाल लिया। इसको हम इस तरह से एक जैसा करेंगे। इसको इस तरह से रखकर हम इसके साथ साथ सिलाई लगाते जाएंगे। Thank you.
देखिए इस तरह से मैंने दरमियान में सिलाई लगा ली है। अब हम पहले अंदर ये दरमियान वाली सिलाई लगाएंगे, फिर बाद में हम पांचा फोल्ड करेंगे। इस तरह से हम इधर सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरह से हमने दरमियान में पहले सिलाई लगानी है। इस तरह से हम सिलाई लेकर आएंगे सीधा, और इस साइड से भी इसी तरह लेंगे। इस तरह से हमें इधर से भी सिलाई लगाएंगे, और बाद में हम नीचे से फोल्ड करेंगे। ये देखें, दरमियान में से सिलाई पहले लगाने के बाद मैंने ये अंदर की तरफ तुरपाई कर ली है। इस तरह से, और इस तरह हमारा ये ट्रोजर मुकम्मल हो गया है। देखो कितना सिंपल सा, बहुत आसानी से बनने वाला ये ट्राउज़र है, बगैर किसी कटिंग के, बगैर किसी कटिंग के या सिलाई के हमने ये ट्राउज़र, पैंट ट्राउज़र तैयार किया है। ऊपर हमने ये इलास्टिक लगाया लैदा से। देखो इतना सिंपल सा और बहुत ही जल्दी बनने वाला ये ट्राउज़र है। यकीनन आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।